वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर फोर्थ लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी एक जो कहानी है साहिब के बारे में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इन दो कहानियों में किस प्रकार से एक बच्चे का उसके खेलने की उम्र में, उसके घूमने फिरने की उम्र में उसको काम पर लगा दिया जाता है या उसका शोषण किया जाता है, उसके बारे में कहानियाँ बताई गई हैं। पहली कहानी में हमने साहिब के बारे में पढ़ा और अब हम शुरू करें दूसरी कहानी के लिए। और दूसरी कहानी का स्टार्टिंग होता है आई वांट टू ड्राइव ए कार से। इसमें क्या है, एक कहानी है मुकेश की। जो मुकेश है वो अपने लिए खुद एक नया धंधा जो है, नया काम जो है वो करना चाहता है, यानी कि यूँ कहें कि अपने खुद के पैरों पर वो खड़ा होना चाहता है। तो यहाँ स्टार्टिंग कर रहे हैं आई वांट टू ड्राइव ए कार, कि मैं एक कार जो है वो ड्राइव करना चाहता हूँ। ये बात कही है किसने, मुकेश ने। मुकेश इंस्टिट ऑन बींग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है वो अपने खुद के मालिक होने पर जोर डालता है। इंस्टिट का मतलब क्या होता है, जोर डालना। मुकेश चाहता है कि मैं खुद का मालिक बन जाऊँ, तो वह अपने मालिक होने पर जोर डालता है, अपना खुद का जो स्वामित्व रखने का जोर डालता है वो। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनना चाहता हूँ, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक जो है वो बनूंगा। ही अनाउंस, वह घोषणा करता है। वह लेखिका जो है हमारे पास में अनीश जंग, उसे कहता है कि मैं अपने खुद का मालिक बनना चाहता हूँ और मुझे क्या बनना है, एक मोटर मैकेनिक बनना है। ही अनाउंस, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैं उसे पूछती हूँ। लेखिका ने यहाँ पर पूछा है मुकेश से, मुकेश की जिसकी कहानी जहाँ पर चल रही है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट कार्स, कारों के बारे में। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। उसने क्या कहा आगे कि आई विल लर्न, मैं सीख जाऊँगा टू ड्राइव ए कार, एक कार को चलाना, मैं कार चलाना जो है सीख जाऊँगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए उसने वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज, उसके जो सपने हैं, हिज ड्रीम्स, उसके जो सपने हैं लूम, वो दिखते हैं लाइक ए मिराज, कैसे दिख रहे हैं ध्यान रखना। हिज ड्रीम्स लूम्स, उसके जो सपने हैं वो कैसे हैं, अस्पष्ट है। लूम्स का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट है, आकार में तो बड़े हैं उसके। लूम का मतलब क्या होता है, आकार में बड़े होना, लेकिन कैसा होना उन सपनों का, अस्पष्ट होना, यानी कि उसके जो सपने हैं वो आकार में तो बड़े हैं लेकिन कैसे हैं, अस्पष्ट है उनकी, कोई किसकी तरह है वो, लाइक ए मिराज, किसकी तरह, मिराज की तरह। मिराज क्या होता है, मिराज का मतलब है मृग मरीचिका। अब मृग मरीचिका मतलब आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि अपन को आभास तो होती है उस चीज़ के होने का, लेकिन वास्तव में वो नहीं होती। जिस प्रकार से रेगिस्तान की मैं बात करूं, रेगिस्तान में आप चलते रहोगे धूल धूल पर, तो आपको एक दूरी पर ऐसा लगेगा कि जैसे वहाँ पर कुछ पानी है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर जाते हैं वो पानी नहीं होता। तो एक तरीके से आभास होता है केवल, वो क्या कहलाते हैं, मृग मरीचिका। तो उसके जो सपने हैं वो किसकी तरह है, बिल्कुल आकार में बड़े लेकिन अस्पष्ट है, किसकी तरह, मृग मरीचिका की तरह। यूँ कहें कि दिखने को तो दिख रहे हैं सपने लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, अमिडस्ट, अमिडस्ट का मतलब हो गया के बीच में, अमिडस्ट में से डी हटा लेना ना, अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, गलियों की जो धूल है उसके बीच में, दैट विलेज टाउन फिरोजाबाद, जो उसके पूरे कस्बे को भर देती है। कौन सा कस्बा है उसका, फिरोजाबाद। तो यहाँ पर मुकेश के कस्बे के बारे में बताया जा रहा है कि मुकेश का जो कस्बा है फिरोजाबाद, उसकी उनकी गलियों की धूल में एक मिराज की भांति, एक मृग मरीचिका की भांति उसके जो सपने हैं बिल्कुल अस्पष्ट हैं। और जो फिरोजाबाद कस्बा है, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, किसके लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, बैंगल्स के लिए। बैंगल्स का मतलब कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद जो है वो फेमस है, प्रसिद्ध है। उसी कस्बे में यहाँ पर मुकेश रहता है। मुकेश जो रह रहा है वो सपने तो बड़े बड़े देख रहा है, वो देख रहा है कि मैं कार ड्राइविंग करूंगा, कार के बारे में सीखूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा, लेकिन उसके जो सपने हैं बिल्कुल अस्पष्ट है, किसकी तरह, लाइक ए मिराज। और ये जो सपने हैं वो फिरोजाबाद में धूल भरी जो गलियां हैं उनके बीच में देखता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, एवरी अदर फैमिली,
प्रत्येक दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद कस्बे में जहां पर मुकेश रहता है उस कस्बे में, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा जो परिवार है इज एंगेज्ड, वो कैसा है, व्यस्त है, एंगेज है, लगा हुआ है किसमें, इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि कांच की चूड़ियां बनाने में, जो बैंगल्स है चूड़ियां हैं वो बनाने में लगा हुआ, यानी फिरोजाबाद जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बैंगल्स के लिए, कांच की चूड़ियां बनाने के लिए, तो प्रत्येक जो दूसरा परिवार है वो इसी काम में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस वेल्डिंग का ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कि जो फिरोजाबाद है ये एक सेंटर है, सेंटर का मतलब केंद्र है किसका, भारत के जो कांच, और ब्लोइंग का मतलब है कांच को आकार देने वाला, कांच को आकार देने वाला जो उद्योग है, इंडस्ट्री का मतलब उद्योग, यानी कांच दमन जो उद्योग है, कांच को जो आकार देने वाला उद्योग है उसका प्रधान केंद्र है कौन सा कस्बा, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद जो है वो कांच को आकार देने वाले उद्योग का प्रमुख केंद्र है, वेयर जहाँ पर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, कि जहाँ पर जो परिवार है, बहुत सारे परिवार है, उन्होंने अपनी पीढ़ियों का गुजारा है, यानी कि बहुत सारी जो परिवार है उन्होंने अपनी पीढ़ियों से, यानी कि पुराने समय से ही इस काम को किया है, वर्किंग काम करते हैं अराउंड फर्नेस, फर्नेस का मतलब क्या हो गया, भट्टी, तो फर्नेस भट्टी, भट्टियों का मतलब चारों ओर, तो भट्टी के जो आसपास है उसमें ही काम करते रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिरोजाबाद जो कस्बा है वो कस्बा कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर प्रत्येक जो परिवार होता है वो पीढ़ियों से, जनरेशन्स का मतलब पीढ़ियों से भट्टी के आसपास ही काम करता हुआ आया है। वेल्डिंग ग्लास, वो क्या करते हैं, गिलास को जोड़ने का काम करते हैं, वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, वो गिलास को जोड़ते हैं, जोड़ना। इसके बाद में मेकिंग बैंगल्स, और इससे क्या बनाना, चूड़ियाँ बनाना, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इस धरती पर जो भी सारी औरतें उन सभी के लिए चूड़ियाँ बनाना इनका काम है, यानी कि जो परिवार है वो पीढ़ियों से इसी काम को करते आए हैं, या तो वे ग्लास की वेल्डिंग करेंगे, इससे बैंगल्स बनाएंगे, चूड़ियाँ बनाएंगे, सारी औरतों के लिए जो इसे धरती पर है। इट सीम्स, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है कि इस धरती पर जो सारी औरतें उन सभी के लिए चूड़ियाँ बनाने का काम केवल कहाँ पर होता है, फिरोजाबाद में। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक ही है, यानी कि इतने सारे जो परिवार है उन्हीं परिवारों में से मुकेश का परिवार भी एक है। नन ऑफ दैम नोज, उनमें से कोई भी नहीं जानता है, नन ऑफ दैम नोज, उनमें से कोई भी नहीं जानता है दैट कि इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, कि उसके जैसे बच्चे जो हैं, इट इज इलीगल, ये ऐसा काम है इलीगल, इलीगल का मतलब क्या होता है, जो कानून के परे हो, यानी कह सकते हैं गैर कानूनी, तो ये इट इज इलीगल, ये गैर कानूनी होता है, फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों के जो टू वर्क, काम करना इन द ग्लास फर्नेस, कांच की भट्टियों में, विथ हाई टेम्परेचर्स, वो भी उच्च तापक्रम पर, टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, तापमान, और तापमान में जो ग्लास की जो भट्टियाँ हैं, कांच की जो भट्टियाँ, उनमें काम करना उसके जैसे बच्चों के लिए क्या बनाया गया है, गैर कानूनी। तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि उनमें से कोई भी नहीं जानता इस बात को कि जो मुकेश है और उसके जैसे जो बच्चे हैं उनका इस उच्च तापक्रम पर कांच की भट्टियों में काम करना गैर कानूनी है, वो भी कहाँ, इन डिंगी सेल से, डिंगी का मतलब होता है गंदी और इसका मतलब, डिंगी का मतलब अंधेरी, सेल्स यानी कि कोठरियाँ, विदाउट एयर एंड लाइट, जिसमें कोई भी ना तो हवा होती है ना ही लाइट, लाइट का मतलब रोशनी होती है, तो वो जो बच्चे होते हैं वो गंदी और अंधेरी जो सेल्स है, कोठरियाँ हैं, उनमें बिना किसी हवा के, बिना किसी रोशनी के वो जो लोग बच्चे हैं वो हाई टेम्परेचर में, यानी कि उच्च तापमान में उस कांच की भट्टियों में काम करते हैं, ये सब उनके लिए क्या है, गैर कानूनी है, इस बात का किसी को भी पता नहीं होता है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे स्लोग देयर लाइट नाइट डे लाइट हावर्स ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज।
आगे कहता है इन द लॉ इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स का मतलब हो गया लागू करना, कि अगर उस नियम को लागू कर दिया जाए, दैट द लॉ, लॉ का मतलब क्या हो गया नियम या कानून, अगर इस कानून को लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम, तो वह उसे गेट हिम है, और आगे दिया है आउट, आउट का मतलब गेट आउट का मतलब बाहर निकालना, तो अगर इस नियम को लागू किया कर दिया जाए तो वह यानी कि मुकेश जो है वो उसको खुद को और साथ ही साथ ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, साथ ही साथ उसके साथ जो 20,000 जो बच्चे हैं उन सभी को बाहर निकाल सकता है, कहाँ से, ऑफ हॉट फर्नेस, उसे गर्म भट्टी से, वेयर जहाँ पर दे स्लोग, जहाँ पर वो कड़ी मेहनत करते हैं, स्लोग का मतलब क्या होता है कड़ी मेहनत करना, जहाँ पर वो कड़ी मेहनत करते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन के समय में, जहाँ पर वो जो बच्चे हैं अपने दिन के समय पर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, उन गर्म भट्टियों से उन बच्चों को निकाला जा सकता है, साथ ही साथ उसको भी निकाला जा सकता है अगर इस नियम को लागू किया जाए तो। Often losing the brightness of their eyes, और वो अक्सर जो वो बच्चे हैं losing, वो खो रहे हैं the brightness of their eyes, उनकी आंखों की चमक को, और अक्सर जो वो बच्चे हैं जो उन गर्म भट्टियों में काम कर रहे हैं वो बच्चे अपनी आंखों की जो रोशनी है, अपनी आंखों की जो चमक है उसको खो रहे हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की जो आंखें थी, मुकेश आइज, मुकेश की जो आंखें थी बीम, बीम का मतलब होता है प्रसन्नता से चमकना, मुकेश की जो आंखें थी वो प्रसन्नता से चमकने लगी, एज ही वॉलंटियर्स, जब उसने स्वेच्छा जाहिर की टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने की, जब उसने मुझे अपने घर पर ले जाने की जो स्वेच्छा जाहिर की तब उसकी आंखें जो थी वो प्रसन्नता से चमकती हैं। विच ही प्राउडली सेज ही इज बींग रिबल्ड, और जिसके बारे में जो इस घर ले जा रहा था यहाँ पर मुकेश लेखिका को, तो विच जिसे ही प्राउडली सेज वह गर्व के साथ कहता है इज बींग रिबल्ट, उसे दोबारा से बनाया जा रहा है, जिस घर को दोबारा से बनाया जा रहा है उस घर के लिए बड़ी गर्व के साथ में मुकेश कहता है कि आओ हमारे घर पर चलो। वी वॉक डाउन स्टिंग लैंड्स चोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वी वॉक डाउन, हम चलते हैं पैदल चलते हैं, स्टिंकिंग लेंस, स्टिंकिंग का मतलब हो गया बदबूदार, और लेंस का मतलब गलियां, हम बदबूदार गलियों में चलते हैं, चोक्ड विद गार्बेज, जो कि कचरे की वजह से क्या हो गई है, चौक चौक का मतलब अवरुद्ध है, उन गलियों में कम जा रहे हैं जो उन पर वो गलियां जो है वो अवरुद्ध है, बदबूदार गलियां हैं, पास्ट होम्स, उन्हें घरों के पास से गुजरते हैं, दैट रिमेन होवल्स, जो क्या हो गई हैं होवल्स, होवल्स का मतलब होता है टूटी फूटी, एक तरीके से कहते हैं झोपड़ियां बन गई हैं, टूटी फूटी भवन बन गए हैं, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जिसकी क्या है टूटती हुई दीवारें, यानी कि हम जो है पैदल चलते हैं कहाँ से होकर के चल रहे हैं, बदबूदार गलियों में होकर के, जो कि कचरे की वजह से चौक हो चुकी है, चौक का मतलब बंद हो गई है वो गलियां भी, और साथ ही साथ हम पास्ट होम्स, उन घरों के पास से गुजरते हैं, दैट रिमेन होवल्स, जो कैसी हो गई हैं एक तरीके से कह सकते हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में कुटियाँ हैं वो, होवल्स का मतलब कुटियाँ हैं, एक तरीके से ऐसी कुटियाँ हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, किसकी वजह से, टूटती हुई दीवारों से, उसकी जो दीवारें हैं वो कैसे क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मतलब टूटी हुई हैं, वोबली डोर्स, और कैसे दरवाजे, इसके अलावा नो विंडो, उनमें कोई खिड़कियां नहीं है, यहाँ पर घर की विशेषता बताई जाए, घर कैसे बताया जा रहा है यहाँ पर, क्राउडेड, और भीड़ भरे किससे, विथ फैमिलीज, परिवारों के, परिवारों से, ऑफ वुमन्स एंड एनिमल्स, इसमें कौन है, वुमन्स, वुमन्स का मतलब मानव भी है एंड एनिमल्स और जानवर भी है, को एग्जाइटिंग, वो भी साथ साथ रहते हैं, जिसमें मानव और जो जानवर है वो साथ साथ रहते हैं, इन ए प्राइमेवल स्टेट, वो भी आदिम काल की जैसी अवस्था में, प्राइमेवल का मतलब क्या हो गया आदिम काल, आदिम काल का मतलब है जैसे पहले पुरातन काल में आपने देखा होगा जब व्यक्ति जो होता मानव जो होता जानवरों के साथ में रहा करता था, वो काल कौन सा था आदिम काल, तो उसकी जैसी अवस्था में जो वहाँ पर जो लोग हैं वो जानवर और आदमी दोनों हैं वो को एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, को एग्जिस्टिंग मतलब साथ साथ रहते हैं, उनके परिवार जो है एक ही घर में, उसी घर में जो जानवर है वो भी रहते हैं, उसी घर में जो आदमी हैं औरतें हैं वो भी उसी घर में रहती हैं, तो इस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था थी। तो यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि हम जो है
एक तरीके से यूं कहें कि उन बदबूदार गलियों में गए और जो गलियां जो कि थी कचरे से बंद हुई पड़ी हुई थी, और उन घरों के पास से गुजरे जो कैसी हो चुकी है, कुटिया बन गई हैं, टूटी हुई कुटियां हैं, टूटी हुई दीवारें हैं, डगमगाते हुए दरवाजे हैं, उनमें खिड़कियां नहीं हैं, और वे जो घर हैं वो आदिम काल की जैसी अवस्था में, जिसमें आदमी और जो औरतें हैं साथ ही साथ जो जानवर हैं उनके परिवार भी एक ही साथ में वो रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट का मतलब एक ही साथ वहाँ पर इसी एक ही घर में रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह भी एक ऐसे ही घर के दरवाजे पर रुक जाता है। ही स्टॉप्स, वह रुकता है बैंक्स का मतलब होता है, बैंक का मतलब होता है ठोकर मारना, वह ठोकर मारता है, किसको ठोकर मार रहा है, ए वोबली आयरन डोर, वोबली का मतलब डगमगाता हुआ, आयरन डोर लोहे का दरवाजा, तो वह एक डगमगाते हुए जो लोहे का दरवाजा है उस पर ठोकर मारता है विद हिज फुट, अपने पैरों से, एंड पुशेज इट ओपन, और इसे खोल धक्का दे करके खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में, शह का मतलब क्या हो गया, झोपड़ी कह सकते हैं, कुटिया कह सकते हैं, तो हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में, आधी बनी हुई कुटिया में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैचड विद डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टोव ओवर प्लेटर्स, प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और देखिए हम अंतर तो चले जाते हैं, लेकिन इन वन पार्ट ऑफ इट थैचड विद डेड ग्रास, यानी कि उसका जो छप्पर था वो किससे बना हुआ था, डेड ग्रास मतलब सूखी घास से, थैच का मतलब क्या हो गया छप्पर, तो छप्पर जो था वो किसका था, सूखी हुई घास से बना हुआ था, उसके एक कोने में, एक और इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक और क्या था, इज ए फायरवुड स्टोव, एक क्या था, लकड़ी का, लकड़ी जलाने का एक स्टोव था जिस पर, यानी कि स्टोव का मतलब कह सकते एक चूल्हा था जिस पर लकड़ी जलाई जाती थी, ओवर विच जिसके ऊपर सिट से लार्ज वैसेल, क्या रखा हुआ था, एक लार्ज वैसेल, एक बहुत बड़ा पात्र रखा हुआ था, ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, वो भी जो पात्र था उसमें क्या हो रहा था, सिजलिंग, सिजलिंग का मतलब होता है छन छन करके उबलना, छन छन की आवाज़ करते हुए कुछ उबलना, वो कहलाता है सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, जिसमें क्या हो रहे थे, पालक की पत्तियाँ छन छन करके, छन छन की आवाज़ में उबल रही थी। देखा घर जो था उसके ऊपर सूखी घास का छप्पर लगा हुआ था, जिसके एक कोने में जो लकड़ी जल, लकड़ी से चलने वाली जो चूल्हा था, लकड़ी से चलने वाला स्टोव था, जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा पात्र रखा था, और उस पात्र में जो पालक की जो पत्तियां है वो छन छन करके आवाज में उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जमीन पर भी क्या था, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी जो एल्यूमिनियम की जो प्लेटें थी उनमें, प्लेटर्स का मतलब प्लेटें, तो बड़ी बड़ी जो एल्यूमिनियम की जो प्लेटें थी, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उनमें और भी ज़्यादा जो कटी हुई सब्जियाँ थी वो रखी हुई थी, चॉप का मतलब कटी हुई, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियाँ, तो कटी हुई जो सब्जियां थी वो भी रखी हुई थी कहाँ पर, वेजिटेबल्स जो थी वो रखी हुई थी इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेट्स, ठीक है। ए फ्रेल यंग वुमैन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, ए फ्रेल यंग वुमैन, एक दुबली पतली सी यंग वुमैन, एक युवती जो थी, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का भोजन पका रही थी, एक दुबली पतली सी युवती जो थी, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का भोजन पका रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए, थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक, और धुएं से जो भरी हुई इसकी आंखें थी उनमें से, उनके साथ से स्माइल्स में मुस्कुराती है, क्योंकि वो खाना पका रही थी, लकड़ियां जल रही हैं तो धुआं निकल रहा होगा, तो धुएं से भरती हुई जो उसकी आंखें थी उनसे वह मुस्कुराती है, वो जो युवती थी, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह अपने ओल्डर इन ईयर्स, वह उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, सी हैज बिगन, उसने शुरू कर दिया है टू कमांड रेस्पेक्ट, यानी कि आदर सत्कार लेना, एज द बहू, किसकी तरह, बहू की तरह,
द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू की तरह। हालांकि वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी उसने घर की जो बहू होती है उसके तरह सम्मान लेना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मेंबर्स हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। ऑलरेडी पहले से ही उसके ऊपर जिम्मेदारियां तीन व्यक्तियों की, जिसमें कौन कौन है, एक तो उसका पति है, एक मुकेश है और मुकेश दोनों के पिता हैं। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब बड़ा व्यक्ति जो है, बड़ा ही बड़ा व्यक्ति कौन है, उसके पापा, तो व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब उसके जो बड़े जो आदमी हैं व्यक्ति हैं वो प्रवेश करते हैं, तो सी जेंटली विथड्रा, तो वह जेंटली मतलब धीरे धीरे से विथड्रा हो जाती है, विथड्रा का मतलब पीछे हट जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे। तो जैसे ही बड़ा व्यक्ति जो है घर के अंदर प्रवेश करता है, तो मुकेश की जो भाभी है वो धीरे धीरे ब्रोकन वॉल यानी कि जो टूटी हुई जो दीवार है उसके पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर, और अपने वेल, वेल का मतलब घूंघट, वेल का मतलब क्या होता है, घूंघट, तो अपना जो घूंघट है उसको अपने चेहरे तक सरका लेती है। ब्रिंग्स हर वेल, अपने घूंघट को ले आती है, क्लोजर का मतलब और नजदीक, टू हर फेस, अपने चेहरे पर। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि कस्टम्स डिमांड है, जैसे कि परंपराओं की जो डिमांड होती है, उसी तरह डॉटर इल्ला मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। कस्टम क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, कि जो बहू होती है, डॉटर इल्ला जो बहू होती है, मस्ट वेल लोग होते हैं उनके सामने, तो बड़े जो पुरुष लोग होते हैं उनके सामने बहू को अपना घूंघट डालना होता है, डालना चाहिए, ये क्या है, कस्टम्स है। इसके मुताबिक जो मुकेश की जो भाभी है वो भी अपना जो घूंघट है वो डाल लेती है। इन दिस केस, इस मामले में द एल्डर इज एन इन द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। और इस मामले की मैं बात करूँ तो जो बड़ा है, द एल्डर जो बड़ा ही बड़ा व्यक्ति है घर का, इज एन इम्पोवरिश्ड का मतलब है कंकाल और शक्तिहीन। कंगाल क्यों कहेंगे इसमें, क्योंकि देखो एक तो उसके पास कुछ भी नहीं है, उसने खूब अपने पूरे जीवन भर कमाए, लेकिन अभी भी वो कंगाल है, गरीब ही है। और शक्तिहीन क्यों कहेंगे, क्योंकि उसके पास में अब बिल्कुल भी उठने पड़ने की शक्ति नहीं है। तो दोनों बातें आ रही हैं, और वो कैसा है, बैंगल मेकर का मतलब चूड़ी बनाने वाला है। तो जो सबसे बड़ा व्यक्ति है इस मामले में बिल्कुल कंगाल और शक्तिहीन है, जो कौन है, चूड़ी बनाने वाला था। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने लंबे कठिन परिश्रम के बावजूद भी, डेस्पाइट मतलब के बावजूद, लॉन्ग ईयर्स लंबे सालों तक, ऑफ हार्ड लेबर कठिन परिश्रम का, तो कठिन परिश्रम के लंबे सालों के बावजूद भी, फर्स्ट एज द टेलर, पहले तो वो क्या होता है, फर्स्ट एज द टेलर, पहले तो उसने किस तौर पर काम किया था, टेलर के रूप में, दर्जी था वो, देन ए बैंगल मेकर, उसके बाद में क्या बन गया था, एक चूड़ी बनाने वाला बन गया था। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, फिर भी वह अपने घर को रेनोवेट करने में असफल रहा है। यानी कि जो बड़ा व्यक्ति जो था, सबसे बड़ा, उसको क्यों कहा गया शक्तिहीन और कंगाल क्यों कहा गया, क्योंकि इतने साल कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, पहले तो उसने देखो कठिन परिश्रम किस में किया, टेलर बना था वो, दर्जी था, फिर उसके उसकी मरम्मत कराने में सफल नहीं हुआ। सेंड हिज टू सन्स, उसने अपने दो बेटों को भेज दिया टू स्कूल, कहाँ भेज दिया, स्कूल में। ऑल ही मैनेज टू डू इट टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग, जो कुछ भी उसने किया देम, उनके लिए व्हाट इज नोज, जो वह जानता था, यानी कि जो वो बड़ा व्यक्ति था, जो कुछ भी वो जानता था खुद, उसने उन सभी सी बातों को अपने बेटों को सिखा दिया था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो क्या जानता था वो, ये काम जानता था, द आर्ट ऑफ बैंगिंग बैंगल्स, है ना, यानी कि मेकिंग बैंगल्स मतलब जो चूड़ी बनाने का जो काम था, चूड़ी बनाने की जो कला था, जो वह जानता था उसको उसने अपने बेटों को भी सिखा दिया था। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब वहाँ पर मुकेश की जो दादी थी वो भी बैठी हुई है, और वो कहती है, क्या कहती है, कि ये तो क्या है, करम है, इट इज़ हिज करम, ये उसके करम है, हिज डेस्टिनी, उसकी नियति है, उसके भाग्य है,
डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, नियति या भाग्य, कि ये तो उसके कर्म है, उसकी नियति उसका भाग्य है। ऐसा केस कौन कहती है, मुकेश की दादी माँ, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने पति को ब्लाइंड होते हुए देखा है। हु हैज वॉच्ड, जिसने देखा है, ही हर ओन हस्बैंड, अपने खुद के पति को गो ब्लाइंड, कैसा होते हुए, अंधा होते हुए, विद द डस्ट, किससे, उड़ती हुई धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, से चूड़ियों का जो ग्लास होता है उसकी पॉलिश करते हुए। जैसे ही चूड़ियों पर ग्लास की पॉलिश की जाती है उस समय पर जो धूल उड़ती है तो उससे अंधा होता हुआ देखा है अपने पति को, किसने, मुकेश की दादी माँ ने। कैन ए गॉड गिवन, गॉड गिवन का मतलब ईश्वर प्रदत्त, यानी कि भगवान ने जो दिया। लाइनेज, लाइनेज का मतलब वंशज, क्या ईश्वर प्रदत्त जो वंशज है एवर बी ब्रोकन, उसको तोड़ा जा सकता है, ऐसा कौन पूछती है यहाँ पर, दादी माँ। कि दादी माँ कह रही है कि ईश्वर के द्वारा जो दिया गया वंशज है, वंश है, उसको क्या तोड़ा जा सकता है, यानी कि हम कांच बनाने वाले हैं, इसके दादा जो थे वो कांच बनाने वाले थे, इसके पिता भी कांच बनाने वाले हैं, ये खुद कांच बना रहे, क्या इससे वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है क्या। सिंप्लाइज, वह अर्थ निकालती है, इंप्लाइज का मतलब क्या होता है, अर्थ निकालना, तो वह अर्थ निकालती है, वह इसमें छुपे हुए अर्थ को निकालती है बाहर। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस, इन यार्ड, इन एवरी अदर होम्स, हाउसेज, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। तो कहती है यहाँ पर उसकी दादी कि बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, यानी चूड़ी बनाने वाली जो जाति होती है उसमें जन्म लेकर के, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, यानी कि जिस व्यक्ति ने चूड़ी बनाने वाली जाति में जन्म लिया है तो उस व्यक्ति ने, दे हैव सीन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं देखा है बट बेंगल्स, लेकिन केवल किसको देखा है, उन्होंने चूड़ी को, यानी कि जो जिस घर में चूड़ी बनाने का ही काम है, जिसकी जाति चूड़ी बनाने वालों में पैदा हुई है, तो इसका मतलब उसने कुछ नहीं देखा, उसने तो केवल क्या देखा है, चूड़ियाँ ही देखी है। इन द हाउस, घर में भी उसने चूड़ियाँ देखी हैं, इन द यार्ड, तो उसने आंगन में भी चूड़ियों को ही देखा है, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में भी उसने चूड़ियों को ही देखा है, तो एवरी अदर यार्ड, तो प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के आंगन में भी उसने चूड़ियाँ बनाने का ही काम देखा है। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में केवल कौन सा काम था, चूड़ी बनाने का काम। स्पिरल ऑफ केवल क्या दिखता है, चूड़ियों का घेरा, यानी कि चूड़ियाँ है जो बंडल्स में रखी हुई हैं, सब वही चीज़ दिखती हैं, जो भी कौन कौन किस प्रकार की चूड़ियाँ हैं, सनी गोल्ड है, सनी गोल्ड का मतलब चमकदार सुनहरे रंग की चूड़ियाँ। पैडी ग्रीन, धान की जैसे हरी हरी रंग चूड़ियाँ। रॉयल ब्लू, शाही नीले रंग की चूड़ियाँ। पिंक, गुलाबी चूड़ियाँ। पर्पल, बैंगनी। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, और इंद्रधनुष के जो सातों रंग हैं उनसे जन्मने वाले, उनके उनसे निकलने वाले जो प्रत्येक कलर है उनकी जैसी चूड़ियाँ। तो मतलब यहाँ पर चूड़ियों के बारे में बता रहा है कि इन लोगों ने और कुछ भी नहीं देखा, केवल क्या देखी है, चूड़ियाँ देखी है, अपने आंगन में, दूसरे के आंगन में, तो अपने घर में, दूसरे घर में, सब में यही यार देखा है उसने, और रंग बिरंगी कोई कैसी इस प्रकार की चूड़ियों के बारे में उसने देखा है। लाई इन माउंट्स, और ये चूड़ियाँ जो है पड़ी होती है इन माउंट्स, माउंट्स का मतलब ढेरों में। इन अनकैप्ड यार्ड्स, वो भी बिना सवारे हुए, अनकैप्ड का मतलब क्या हो गया, बिना सवार किए हुए, सवार मतलब जो है ना, जिसको अपने देखते नहीं है कि पड़ी है तो पड़ी रहने दो, तो मतलब बिना सवारे, यार्ड्स का मतलब आंगन में, तो जो ये चूड़ियाँ होती है वो बिना सवार किए हुए आंगन में ढेरों में पड़ी होती है। आर पाइल्ड, और उनका ढेर लगा हुआ है, ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, किसमें, फोर व्हील हैंड कार्ट्स, चार पहियों वाली ऐसी गाड़ी जिसको हाथों से खींचा जाता है, उनमें भी इन चूड़ियों का ढेर लगा होता है। पुश्ड बाय यंग मैन, जिसको कौन खींचते हैं, पुश्ड खींचा जाता है बाय यंग मैन, किसके द्वारा, युवा लोगों के द्वारा। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, सेंटी टाउन, सेंटी टाउन का मतलब होता है झोपड़ियों, बहुत सारी झोपड़ियों वाला कस्बा, तो उसे बहुत सारी झोपड़ियों वाले कस्बे के छोटी छोटी गलियों में जो युवा लोग होते हैं वो फिरोजाबाद में केवल चूड़ियों का ही है, कि चारों तरफ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, इसका ही मार्केटिंग लगा हुआ है।
एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उसकी उस अंधेरी झोपड़ियों में, हटमेंट्स का मतलब झोपड़िया, एंड इन डार्क हटमेंट्स और उन अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट आगे टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग का मतलब होता है चमकता हुआ है, कह सकते हैं एक तरीके से टिमटिमाता हुआ, ऑयल लैम्प्स यानी कि तेल का दीपक, तो टिमटिमाते हुए, फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है, टिमटिमाते हुए जो तेल का जो दीपक है उसकी लाइंस, उसकी लकीर में, उसकी पंक्ति में, उसके पंक्ति के आगे सिट बॉयज एंड गर्ल्स, कौन बैठे हुए हैं, लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं, विद देयर फादर्स अपने पिता के साथ, एंड मदर्स और अपनी माँ के साथ, यानी कि एक दीपक जला हुआ है कमरे के चारों ओर, तो दीपक है, दीपक के आगे की दोनों लाइनों में जो लड़के लड़कियां बैठी हुई हैं, और उसके बगल में उसके, वो उनके साथ साथ कौन बैठे हुए हैं, उनके माता पिता बैठे हुए हैं, और वो कर क्या रहे हैं, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग का मतलब जोड़ रहे हैं किसको, पीसेज, टुकड़ों को ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच के, तो रंगीन कांच के जो टुकड़े हैं उनको वो जोड़ते रहते हैं, इंटू सर्कल्स ऑफ बेंगल, किस में जोड़ रहे हैं, वो चूड़ियों के उसे गोले में, क्योंकि गोल गोल होती है चूड़ियाँ, तो चूड़ियों के जो गोल है उसमें उन कांच के जो टुकड़े उनको जोड़ा जाता है, और ये काम कौन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो ये काम कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ बैठे और अंधेरी झोपड़ी में बैठे हुए हैं, तो ये काम है उनका वहाँ का। देयर आइज आर नॉट, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द, एडजस्टेड वो ज्यादा समायोजन करती है किसको, टू द डार्क, अंधेरे को, उनकी जो आंखें हैं वो ज्यादा समायोजन कर लेते हैं किस चीज से, टू द डार्क, अंधेरी वाली चीजों से, देन टू द लाइट आउटसाइड, किसके बजाय, बाहर की रोशनी के बजाय, बाहर की जो रोशनी है उसमें उनका, उनकी जो आंखें वो कम समायोजन कर पाती है, जबकि अंधेरे में अपनी उसकी जो, उनकी जो आंखें हैं वो ज़्यादा समायोजन कर पाती है, क्योंकि उनको अंधेरे की आदत लग गई है कि अंधेरे में उनको पता है किस, कौन सी चीज़ कैसे करनी है, तो बिना अपनी आंखों की रोशनी को ध्यान देते हुए वो अंधेरे में अपना काम करते हैं, और दिस इज वाई, यही कारण है, दिस इज वाई, यही कारण है, इसीलिए दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आइट साइड, कि वो अपनी जो आइट साइट है, आइट साइड का मतलब आंखों की जो रोशनी है उनको खोते हुए जा रहे हैं, बिफोर बिकम दे अडल्ट, बिफोर दे बिकम अडल्ट, अपने वयस्क होने से पहले, कि यही कारण है कि वे अपने वयस्क होने से पहले ही अपनी आंख जो है उनको अक्सर खोते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो आंखें अंधेरे को ज़्यादा एडजस्ट कर रही है, बजाय किसके, बाहर के उजाले के, वो अंधेरे को ही अपनी आंखें के साथ में तौर में एडजस्ट कर चुके हैं, वो अंधेरे को ही जानते हैं, अंधेरे में ही कर लेते हैं सारा काम, उनको बाहर की रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ पाती है, और इसीलिए वो अंधेरे की वजह से ही उनकी जो आंखों की रोशनी है वो चली जा रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कल की क्लास में।